नमस्कार। झारखंड NMMS अर्थात राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति 2016-17 का गणित का पेपर सॉल्यूशन के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं और यह इसका पार्ट वन वीडियो है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति में गणित के 20 प्रश्न होते हैं। उनमें से 10 प्रश्नों को मैं इस पार्ट वन वीडियो में हल करने जा रहा हूं और उसका ये प्रश्न संख्या है 71। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 है, इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो वह संख्या जो होगी वो इस तरह से होगी, वो संख्या होगी 357 एन जोड़ 39। चूंकि 357 से भाग देने पर 39 यहां शेष बचता है और ये एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहां भाग हमें देना है इस संख्या में, इस संख्या में हमें भाग देना है कितने से, 17 से। तो देखिए क्या आता है, तो 357 में हम भाग देते हैं तो 17 दूनी 34 और फिर ये 1 यानी 21 एन। फिर से बता दूं, एन का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 ये हमें पता नहीं है। और ये 39 में अब 17 से भाग जाएगा तो 17 दूनी 34 और ये 5 शेष बचा और बटा 17। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि हमारा शेष कितना आया है, 5। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया ये तीसरा नंबर ऑप्शन 5। प्रश्न संख्या 72। यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो n³ - n को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हम जानते हैं ये हम जानते हैं कि n³ - n, इसका ये हम कॉमन लेते हैं इसमें से, तो ये n कॉमन हुआ और ये बच गया n² - 1। अर्थात ये n और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंडन करेंगे तो n+1 और n-1 इसका, तो ये है n, इसे सजा देते हैं, n-1 इंटू n और इंटू n+1। ये क्या आ गया, ये लगातार 3 प्राकृत संख्याएं हैं, जैसे 3 4 5, कोई और लेते हैं एग्जाम्पल, 7 8 9 12 13 14 18 19 20। इस तरह का देखिए, ये जिस तरह से लगातार प्राकृत संख्याएं हैं ये वही है। इसमें हम गौर करके देखेंगे कि कम से कम एक संख्या जो 3 लगातार संख्याएं होती है तो वो 3 से अवश्य विभाजित होती है, वो 3 से अवश्य विभाजित होती है। साथ ही साथ 3 लगातार प्राकृत संख्याओं में एक सम संख्या होता है, तो सम संख्या तो 2 से विभाजित होता है। तो इस तरह 3 लगातार संख्याएं जो होती हैं वो 3 से भी विभाजित होती हैं और 2 से भी विभाजित होती है। तो अर्थात ये अधिकतम संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या जो इस n³ - n को विभाजित करेगी, तो वो हमारी होगी 6। प्रश्न संख्या 73। यदि 3 4 x 6
तीन चार एक्स छ आठ एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभक्त हो, तो x का छोटे से छोटा मान होगा। हम एक चीज जानते हैं कि कोई भी संख्या 9 से तभी विभक्त होती है जब उसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित हो, अर्थात 3 जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 6 जोड़ 8, ये कितने से विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो हम इसके देखते हैं 3 4 6 और 8, इसका जोड़ देखते हैं 3 और 4 7 और 6 13 और 8 21। तो अब x का मान ऐसा होगा जिसको इसमें जोड़ने से वो 9 से विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो हम 21 में जोड़ेंगे? तो वो हमारी संख्या होगी 6, तब तो ये हो जाएगा 27 और 9 से ये विभाजित हो जाएगा, अर्थात वो x का मान क्या होगा जो सबसे छोटा हो? वो है 3। प्रश्न संख्या 74, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 62, 132 तथा 237 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, और इसका ऑप्शन है 35, 37, 31 और 34। तो यहां हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं में जब हम भाग देते हैं तो हमारा एक शेष बचता है, समान शेष। मान लिए वो शेष हमारा है r। तो जब इन संख्याओं में से हम शेष को घटा देंगे और उसके बाद जो संख्याएं आएंगी उनका जब हम मौसर यानी HCF निकालेंगे तो वही हमारा आंसर होगा, और वही मौसर वही होता है जो बड़ी 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 से बड़ी संख्या होती है जो इनको भाग देगी। अर्थात हमें मौसर किसका निकालना होगा? 62 घटाओ r, ये शेष को घटा दिए, और 132 घटाओ r और 237 घटाओ r। शेष घटाने के बाद जो ये संख्याएं आ रही है इनका ही मौसर जो होगा HCF होगा, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसे हमें ज्ञात करना है, और इनका मौसर वही होगा जो इन संख्याओं के अंतर का मौसर होगा, अर्थात 132 घटाओ r घटाओ 62 घटाओ r, ये एक संख्या होगी। दूसरी संख्या हो जा रही है 237 घटाओ r घटाओ 132 घटाओ r, और तीसरी संख्या हमारी होगी 237 घटाओ r घटाओ 62 घटाओ r। तो ये जो संख्याएं आएंगी ये और ये दूसरी ए और तीसरी ये, तो इनका जो मौसम होगा वही इन तीन संख्याओं का मौसम होगा और वही हमारा आंसर होगा। तो इसे हम घटाते हैं तो यहां आता है 70, दूसरा आता है 105 और तीसरा आता है 175। तो इन संख्याओं का हम मौसम यानी HCF निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं, आपको आता होगा लेकिन फिर भी मैं उनके लिए जो नहीं निकाल पा रहे हैं उनके लिए मैं कर रहा हूं। 70 से 105 में भाग दे रहे हैं तो एक बार गया 70 और यहां आ गया 35। अब इस 35 से इस 70 में देंगे तो 35 दूना 70, अर्थात ये 70 और 105 का हमारा आ गया मौसम 35। अब इस 35 से हम 175 में भाग देते हैं तो ये 5 बार में चला जाएगा 175। तो अर्थात हमारा जो मौसम या HCF आया वो आया 35। तो हमारा आंसर है ये 35। प्रश्न संख्या 75, इसका हमें मान निकालना है, आइए इसे हल करते हैं। ये है तो
इसका इसका लॉसा निकाल के हम इसे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वन प्लस वन और ये बाई एक्स प्लस वन, और फिर यहां हो जाएगा x प्लस टू प्लस वन बाई एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा x प्लस थ्री प्लस वन बाई एक्स प्लस थ्री, गुना ये हो जाएगा x प्लस फोर प्लस वन बाई एक्स प्लस फोर, और ये हो जाएगा x प्लस फाइव प्लस वन बाई एक्स प्लस फाइव इक्वल टू, ये हो गया x प्लस टू बाई एक्स प्लस वन, और ये हो गया x प्लस थ्री बाई एक्स प्लस टू, और ये हो गया ये सॉरी ये गलत हो गया है, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये क्वेश्चन लिखने में कुछ गलती हो गई है, ये जो है ना ये लास्ट ये नहीं है, इतना तक ही है, तो ये x प्लस फोर बाई एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव बाई एक्स प्लस फोर, तो ये देखें x प्लस टू एक्स प्लस टू ये कैंसिल हो गया, x प्लस थ्री कैंसिल हो गया, x प्लस फोर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x प्लस फाइव बाई एक्स प्लस वन, तो ये हमारा आंसर है ये पहला वाला। प्रश्न किया 76, यदि 2 टू द पावर a प्लस 3 टू द पावर b इक्वल टू 17 और 2 टू द पावर a प्लस 2 माइनस 3 टू द पावर b प्लस 1 इक्वल टू 5, तो a और b का ये मान दिया हुआ है, इसमें से कौन होगा, आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या हम करते हैं, ये चूंकि हमें दिया हुआ है 2 टू द पावर a प्लस 3 टू द पावर b इक्वल टू 17, तो इसका अर्थ यह है कि 2 टू द पावर a इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 3 टू द पावर ये पावर में है 3 टू द पावर b, ऐसा हो जाएगा। तो अब हमें जो दिया गया है 2 टू द पावर a प्लस 2 माइनस 3 टू द पावर b प्लस 1 इक्वल टू 5, ये जो समीकरण है अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे हम 2 द पावर a इंटू 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि घातांक के नियमों से हम जानते हैं कि ये जब समान आधार का गुना हो रहा है तो इसका घात जुड़ जाता है, तो ये जुड़ा हुआ था इसको हमने अलग कर दिया, यही काम हम यहां भी कर रहे हैं, 3 टू द पावर b इंटू 3 टू द पावर 1 इक्वल टू 5, या ये देख रहे 2 दुना 4 हो जाएगा, इसे हम आगे ले आते हैं 4 टू द पावर a माइनस इसे भी हम इधर ले आते हैं 3 इंटू 3 टू द पावर b इक्वल टू 5। अब हम ये क्या कर रहे हैं कि ये 2 टू द पावर a है ना, तो यहां से हम इसका मान बैठा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 17 घटाओ 3 टू द पावर b माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर b इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 68 4 गुणे 17 घटाओ 4 गुना 3 टू द पावर b और ये माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर b इक्वल टू 5, तो यहां भी हम देख रहे हैं कि ये 68 घटाओ ये दोनों घटाओ है ना माइनस है, ये माइनस 4 3 टू द पावर b और माइनस 3 3 टू द पावर b, तो ये हो गया 7 इंटू 3 टू द पावर b इक्वल टू 5, इधर अब कर रहे हैं सॉल्व, या इसे यही छोड़ देते हैं माइनस 7 इंटू 3 टू द पावर b इक्वल टू 5
और ये इधर आ गया 68, तो ये हो गया माइनस 7 इंटू 3 टू पावर बी स्क्वायर टू माइनस 63, अर्थात 7 इंटू 3 टू दी पावर बी स्क्वायर टू 63 या 3 टू दी पावर बी स्क्वायर टू 9। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये 9 को हम 9 को हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2, तो b स्क्वायर टू हमारा क्या आ गया 2, क्योंकि आधार यहां 3 है, यहां भी आधार 3 है, तो इसका घातांक बराबर होगा, तो b टू दी पावर 2 आ गया। अब इसका मान हम यहां या यहां किसी में रख देते हैं, इसलिए 2 टू दी पावर a स्क्वायर टू 17 घटाओ ये 3 और इसका घात हो गया 2, अर्थात 17 घटाओ 9 स्क्वायर टू 8, और पुनः हम 8 को लिख सकते हैं 2 का घात 3। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, तो यहाँ घात a है और यहाँ घात 3 है, अर्थात a स्क्वायर टू हमारा आ गया 3। तो हमारा कौन सा आंसर है यहाँ, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 77, यदि a टू दी पावर x इक्वल टू b टू दी पावर y इक्वल टू c टू दी पावर z तथा b स्क्वायर इक्वल टू ac हो तो y बराबर है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं a टू दी पावर x इक्वल टू b टू दी पावर y इसकल टू c टू पावर z इसकल टू k, क्योंकि सब बराबर है, तो इसका अर्थ ये है कि a टू दी पावर क्या हो जाएगा, k 1 by x, b हो जाएगा k 1 by y और c हो जाएगा k टू दी पावर 1 by z। ये z है, ध्यान रखेंगे। तो हमें दिया गया है क्या, b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो अब हम यह मान बैठाते हैं b का मान क्या है, k टू दी पावर 1 बाई 2 y, तो ये हो गया k टू दी पावर 1 बाई y और ये होल का स्क्वायर, ये है k टू दी पावर 1 बाई x और इनटू c है k टू दी पावर 1 बाई जेड या के टू दी पावर 1 बाई वाई इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई वाई स्क्वायर टू के टू दी पावर, देखिए ये आधार समान है तो इसके घात जुड़ जाएंगे यहां, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड ये हो गया। अब इन दोनों तरफ देखें कि यहां भी k है आधार, यहां भी k आधार है और इसका घात ये है और इसका घात ये है, अर्थात ये क्या बताता है कि जब आधार समान हो तो घात भी बराबर होगा, तो 2 बाई वाई स्क्वायर टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, अर्थात ये क्या हो जाएगा 2 बाई वाई और यहां हम एलसीएम ले लेते हैं या ला सकते हैं एक्स जेड, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड। अब इसे हम थोड़ा उलट देते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में, तो ये हो जाएगा वाई बाई टू और इसका टू, ये टू है ध्यान रखिएगा, ये टू है एक्स प्लस सॉरी ये तो हमने अंश और हर का स्थान बदल दिया है, तो ये एक्स जेड बटा एक्स प्लस जेड या वाई स्क्वायर टू, ये टू इधर ऊपर में आ जाएगा, तो टू एक्स जेड बाई एक्स प्लस जेड, तो ये हमारा कौन सा आंसर है, ये 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 78, ये भी घातांक से संबंधित प्रश्न है, घात और घातांक।
ए बाई बी इजकल टू एक्स माइनस वन इजकल टू बी बाई ए टू द पावर एक्स माइनस थ्री। तो ये है a बाई बी और इसका घात है x माइनस वन। यहां ये क्या कर रहे हैं, हम इसे अंश को हर में और हर को अंश में कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a बाई बी। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आधार समान करने के लिए, यहां a बाई बी है इसलिए यहां भी हमने a बाई बी किया। ऐसा जब हम करते हैं तो इसका जो घात है x माइनस थ्री ये हो जाएगा थ्री माइनस एक्स। आप देखें कि यहां आधार a बाई बी है, यहां भी आधार a बाई बी है और ये इक्वल टू बराबर है तो इसका घात बराबर होगा अर्थात x माइनस वन इक्वल टू थ्री माइनस एक्स या x जोड़ x इक्वल टू थ्री प्लस वन और या 2x इक्वल टू फोर या x इक्वल टू टू। तो इसमें से कौन सा आंसर है, इनमें से कोई नहीं है, ये हमारा फोर नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 79। यदि p इक्वल टू 124 हो तो p इंटू पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस थ्री प्लस वन का क्यूबिक रूट है क्या होगा, ये निकालना है। तो इसे हल करने से पहले एक सर्व समीका मैं यहां लिख रहा हूं, आप इसे जानते होंगे a प्लस बी होल क्यूब। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये इसे आप याद रखें। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये है थ्री क्यूबिक रूट है p इंटू पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस थ्री प्लस वन ये इक्वल टू, ये p ब्रैकेट से बाहर है इसे हम गुना कर देते हैं तो p क्यूब प्लस थ्री पी स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन इसका टू थ्री पी क्यू और इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं थ्री पी तो यहां बच जाएगा p प्लस वन और ये जो वन है इसे हम इस तरह से लिख देते हैं वन का क्यूब। तो जरा आप इस सर्व समीका से इसका मिलान करें क्या ठीक ऐसा ही आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां जो a था उसकी जगह यहां p है और यहां b था उसकी जगह 1 है तो ये हमारा हो जाएगा p प्लस 1 का होल क्यूब और चूंकि ये क्यूबिक रूट है और यहां क्यूब है तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा p प्लस वन और p का मान है 124 तो प्लस वन यानी 125। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन फोर। अब ये क्वेश्चन नंबर 80। यदि ए बी सी तीन शून्येतर यानी नन जीरो वास्तविक संख्याएं हैं और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू शून्य है तथा बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी ए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर सी ए, यहां पर देखिए ए छूट गया है यहां लिख दे रहे हैं ए का मान है
3, 2, 0 या 1। ये ए का मान हम फिर से लिख दे रहे हैं यहां पर, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। ये टाइप करने के क्रम में ये गलती हो गई है। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। एक सर्व समीका हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इससे हमें मिलता है क्या, जो हमें निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो यहां पर दिया हुआ है ना a प्लस बी प्लस सी शून्य, तो ये क्या हो जाएगा, ये शून्य हो गया। अब माइनस इन दोनों को ले रहे हैं, है ना, इन दोनों को कॉमन ले ले रहे हैं, तो ये शून्य हो गया, ये तो हट गया, यहां से हम हटा ही देते हैं इसे, ये शून्य हो गया। तो अब ये बच गया माइनस 2ab माइनस, इसे फिर से चलिए लिख देते हैं, 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो अब इन दोनों को हम ब्रैकेट में ले ले रहे हैं, इनको माइनस 2ab माइनस 2bc और फिर यहां है माइनस 2ca। यहां क्या कॉमन आ रहा है हमारा, देखिए 2b, तो 2b को हमने यहां कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया माइनस ए माइनस सी और माइनस 2ca। अब यहां पर एक चीज हमें दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू शून्य, तो इससे हमें मिल जाता है बी इक्वल टू माइनस ए माइनस सी। तो बी का ये जो माइनस ए माइनस सी है, उसकी जगह पर हम बैठा सकते हैं यहां बी, तो ये 2b इंटू बी माइनस 2ca, तो ये हो गया 2b स्क्वायर माइनस 2ca, अर्थात इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 कॉमन बी स्क्वायर माइनस ca। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जो है बी स्क्वायर माइनस सी ए, इसे हम बाई ओर ला रहे हैं, तो यहां पर ये गुना में था, तो यहां भाग में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए, तो इक्वल टू क्या बच गया यहां 2। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये पार्ट 1 वीडियो था, इसमें 10 प्रश्नों को हमने हल किया। अगले पार्ट 2 वीडियो में अगले 10 प्रश्नों को हल करूंगा। जो भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कॉलरशिप एग्जाम देना चाह रहे हैं या देने वाले हैं या अगले साल देने वाले हैं, वे अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वे शिक्षक जो अपने छात्रों को इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं, वे अवश्य मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको इस तरह के बहुत सारे एक्सरसाइज, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आपको मिलेंगे। धन्यवाद।